हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो सीखने वाले हैं वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि लाइन सेगमेंट, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवेन रेशियो, मतलब एक लाइन सेगमेंट का हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और स्पेसिफिक रेशियो में जो डिवाइड होगा, स्पेशली इंटरनली। एक्सटर्नली का हम लोग तो नहीं देखना है, इंटरनली जो डिवाइड होगा जिस रेशियो में वो देखेंगे कंस्ट्रक्शन। सेकेंड जो है हम लोग का ट्राइंगल्स का है, एंड थर्ड जो है वो टेंजेंट्स का है। तो यही तीन कंस्ट्रक्शन बेसिकली इस चैप्टर में मुझे कवर करना है। तो आज सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट का देखेंगे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कि स्पेसिफिक रेशियो अगर कुछ दिया हुआ है तो उस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे, और ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि उस रेशियो में मुझे वो लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो इसके कुछ स्टेप हैं, बहुत इजी है, अगर उस स्टेप को फॉलो करके करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन लाइन सेगमेंट से रिलेटेड होगा कंस्ट्रक्शन तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, तो इसमें जो स्टेप है वो स्टेप सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप कि आपको जिस लेंथ का लाइन सेगमेंट आपको डिवाइड करने बोलेगा। सपोज कि मान लिया जाए कि मुझे एक ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का, जो कि 3:2 में डिवाइड होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट 3:2 में डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक रे हम लोग ड्रॉ करेंगे इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से लेकर, जो कि एक्यूट एंगल बनाता हो। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल बनाता हो। तो ये यहाँ पे जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए, हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये रे ओ ए हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना है, यानी 3:2 मतलब टोटल कितना डिवीजन, 5 डिवीजन हो गया। तो कंपास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इक्वल 5 डिवीजन, ये जितना रेशियो में बोलेगा उन दोनों रेशियो को ऐड करके आप मान लीजिए उतना डिवीजन मुझे इस रे को करना है। इक्वल डिवीजन मतलब 3:2 है, इट मीन्स टोटल 5 हो गया। तो 5 डिवीजन, 5 इक्वल डिवीजन, यानी इस रे को ओ ए को हम लोग को डिवाइड करना है, कट करना है। तो आप कंपास से मान लीजिए जब पहला कट, ये पहला डिवीजन ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5, यानी 5 इक्वल डिवीजन हमने उस रे को कट किया। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये रे आप ऊपर इधर भी बना सकते हैं ऐसा, या नीचे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसका नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट डिवीजन है यानी A5, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हम लोग मिला दिए लाइन सेगमेंट को, ठीक है, इसके एंड पॉइंट से। अब यहां देखिए ए से ये फर्स्ट डिवीजन जितना डिस्टेंस है वही सेकेंड डिवीजन का डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस क्या है, सब इक्वल है डिस्टेंस। अब हम क्या कहेंगे, मुझे डिवाइड करना है 3:2 में, इस लाइन सेगमेंट को मुझे 3:2 में, यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो कि यहाँ से यहाँ 3 डिवीजन होगा और यहाँ से यहाँ 2 डिवीजन होगा। लेकिन ये के कहाँ पे आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा वो देखिए। तो यहाँ से चलिए फर्स्ट डिवीजन, यहाँ 3 डिवीजन, इधर से 3 डिवीजन है, यानी A1, A2, A3, 3 डिवीजन। तो 3 डिवीजन मुझे, यानी इस डिवीजन से इस लाइन के पैरेलली एक लाइन मुझे यहाँ ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और ये पैरेलली हम लोग क्यों ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट में मुझे पता चलेगा क्लियर। तो मुझे अभी मोटिव है कि ये पैरेलल लाइन एक 3 डिवीजन से इस लाइन के पैरेलल मुझे ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस एंगल को अगर इक्वल हम कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा
दोनों लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो इस एंगल्स को इक्वल कैसे करेंगे, तो आप कंपास के थ्रू एक यहाँ पे इस कंपास का जो नीडिल है इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे रखने के बाद आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से सेमी सर्कल के वन एंड से आप ये जहाँ ये लाइन ये कट हो रहा है, इस लाइन के कट का ये डिस्टेंस आप यानी इस आर्क का डिस्टेंस आप कंपास के थ्रू मेजर कर लीजिए, और वही डिस्टेंस उसी डिस्टेंस इसमें दो चीज ये होगा कन्फ्यूजन। पहला तो कन्फ्यूजन कि आप सेमी सर्कल जब वो आप ड्रॉ करेंगे तो जो आप डिस्टेंस आप कंपास का लेंगे उसी डिस्टेंस से आपको यहाँ भी आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा सबसे पहला। अब क्या करेंगे नेक्स्ट कि इस वन एंड आर्क के जो सेमी सर्कल है उसके वन एंड से हम लोग इस पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है लाइन उसके डिस्टेंस उसका डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, यानी जो पहला कट है यहाँ पे वो डिस्टेंस ले लेंगे। उसी वही डिस्टेंस से हम लोग यहाँ से ये जो है दूसरे जो डिवीजन है डिवीजन थ्री वाला जो आर्क है वहाँ से हम लोग वहाँ से क्या करेंगे इस आर्क को कट करेंगे, आर्क को कट करेंगे और फिर एक लाइन हम लोग स्ट्रेट लाइन उस कट को हम लोग मिला देंगे। तो ये जो एंगल मिलेगा ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे इट मीन्स ये लाइन जो क्या है पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो ये देखिए ए ए फाइव एंड बी ए ए फाइव एंड बी जो बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है जिसके अंदर हमारा ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। पैरेलल है इट मीन्स हम लोग बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल जिसका थर्ड साइड अगर पैरेलल हो तो उसके बाकी जो दोनों रिमेनिंग साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। इट मीन्स जो यहाँ से डिस्टेंस होगा और इसका जो रेशियो होगा अपना ये रेशियो भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ कितना है थ्री और यहाँ से यहाँ क्या है टू, तो यानी ये रेशियो थ्री रेशियो टू होगा, तो ये भी लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा थ्री रेशियो टू। तो ये जो पॉइंट होगा अपना ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा मान लीजिए के, तो ये पॉइंट ही होगा के जो होगा थ्री रेशियो टू में डिवाइड कर देगा। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं कि स्टेप क्या है। मान लिया जाए 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मुझे ड्रॉ करना है जो कि टू रेशियो थ्री में है, या तो टू रेशियो थ्री नहीं तो मान लिया जाए वन रेशियो टू में है, ठीक है वन रेशियो टू में ये डिवाइड हो रहा है, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट कितना सेंटीमीटर का जितना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है 6.5 इसका नाम दे दिए ए बी, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से क्या करना है मुझे एक रे ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल जो बनाता हो इसका नाम दे दीजिए ओ, ये एक्यूट एंगल है ठीक है। अब वन रेशियो टू में ये डिवाइड होना चाहिए, वन रेशियो टू मतलब टोटल हो गया थ्री, तो यानी टोटल कितना डिवीजन होगा तीन डिवीजन होगा। तो आप डिवीजन कितना भी ले सकते हैं लेकिन जितना डिवीजन आप लेंगे वो तीन डिवीजन इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए पहला डिवीजन ये हो गया, सेकेंड डिवीजन ये हो गया, थर्ड डिवीजन ये हो गया ठीक है। तो इसका नाम दे दिए ए वन ए टू और ए थ्री, ये नाम दे दिए। इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है, ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है कि जो आपका लाइन सेगमेंट है 6.5 सेंटीमीटर उसके लास्ट एंड और लास्ट डिवीजन यानी यहाँ से हम लोग एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे, मिला दिए इस लाइन को। जब इस लाइन को अगर हम मिला देंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बना है, एंगल बना है। अब मुझे कह रहा है वन रेशियो टू में, वन रेशियो टू में वन यानी वन डिवीजन कहाँ है मेरा पहला, यानी मुझे एक इस लाइन का पैरेलल मुझे एक लाइन ये ड्रॉ करना होगा, तब जाके हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल क्यों करें, थेल्स थ्योरम लगाने के लिए हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे।
तो पैरेलल लाइन तभी होगा जब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल करने के लिए हम लोग को इक्वल करना है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे कंपास का नीडल रख के हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल जिस लेंथ का सेमी सर्कल, जिस रेडियस का आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे भी वन डिवीजन, डिवीजन वन पे भी आपको सेम रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट अब क्या करना है कि जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए तो फिर कंपास को यहाँ नीडल रखना है, और इस नीडल से हम लोग को ये जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ कट किया है सेमी सर्कल को, तो इस सेमी सर्कल का डिस्टेंस हम लोग को मेजर कर लेना है। जिस जो डिस्टेंस यहाँ है उसी डिस्टेंस से यहाँ से आपको इस सेमी सर्कल को कट कर देना है। तो जब ये कट करेंगे और ये जो पॉइंट है ए वन, उससे आपको इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन से आपको मिला देना है। जब ये स्ट्रेट लाइन से आपको आप जब मिला देंगे, तो ये जो गैप बनेगा, ये एंगल जो बनेगा आपका, वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और जब ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग थेल्स थ्योरम इसमें लगाएंगे कि ये रेशियो जो होगा इस रेशियो का इक्वल होगा, और ये जो जहाँ पे अपना ये लाइन होगा वहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे के, तो ये जो लाइन है 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट इसका एक और मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स ड्रॉ करके ट्रायंगल सिमिलरिटी लगाकर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन समझेंगे, फिर और टेंजेंट का समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।